Good morning, students. Today we are learn the practice book, English practice book, The Rescuing Spot. Practice 5. Do horses sleep? क्या घोड़े सोते हैं? Jimmy the mouse. The English course book में हमने पढ़ा था तो rescuing the spots. Rescuing spot में Jimmy the white mouse, जो Beauty था mayor. तो उन दोनों बात कर रहे हैं यहाँ पर. जिमी द माउस कुड नॉट स्लीप. ही रैन अबाउट बार लुकिंग फॉर समवन. जिमी जो व्हाइट माउस था वो बार पर आया तो वो क्या करता है कि रात में सोते नहीं थे तो वो बार में आया. ही रैन अबाउट द बार लुकिंग फॉर समवन. टू टॉक टू उसके साथ चैटिंग करने के लिए आए थे आया था. ही सॉ ब्यूटी द हॉर्स स्टैंडिंग इन हर स्टॉल. वो उन्होंने देखा कौन देखा व्हाइट माउस. व्हाइट माउस ने देखा व्हाइट माउस ने देखा कि ब्यूटी जो मेयर था वो सोया नहीं है क्योंकि वो स्टैंडिंग पोजीशन में था खड़े होकर रह था. And so started talking her Jimmy. Jimmy asked Beauty a lot of questions. Jimmy, the white mouse, asked a lot of questions to the mayor and got to know some interesting things about her. वो कुछ जानने के लिए उसके बारे में जानने के लिए मेयर के बारे में जानने के लिए कुछ सवाल किया. First Jimmy wanted to know why Beauty was not sleeping. जिमी पहले जानना चाहता कि ब्यूटी क्यों सोते नहीं है. ब्यूटी सेड आई वॉन्ट टू स्लीप बट यू वॉक मी अप. ब्यूटी जो मेयर था उन्होंने बोला आई वॉन्ट टू स्लीप मैं सो रहा था बट यू वॉक अप मी अप बट यू तुमने मुझे उठाया. वी हॉर्सेस कैन स्लीप बोथ लेइंग डाउन एंड स्टैंडिंग अप. हम जो हॉर्सेस होते हैं जो घोड़े होते हैं वो हम स्टैंडिंग में भी स्टैंडिंग पोजीशन खड़े होकर भी सोते रहते थे ले डाउन बैठ कर भी सोते हैं. जिमी सेड वो आई स्पोक टू यू बिकॉज आई थॉट यू मे बी हंग्री. जिमी ने बोला ओ आई स्पोक टू यू बिकॉज आई थॉट यू मे बी हंग्री. मैं सोच रहा था कि तुमने सोया नहीं है क्योंकि तुमको भूख लगता होगा. व्हाट डू यू ईट तुम क्या खाते हो. जिमी ने मेयर को ब्यूटी को पूछा तो तुम क्या खाते हो. ब्यूटी टोल्ड हिम वी ईट ग्रास. ब्यूटी जो मेयर उसे बोला ना व्हाइट माउस को बोला वी ईट ग्रास एंड प्लांट्स. वी ऑल्सो ईट कॉर्न एंड वेजिटेबल्स. हम वेजिटेबल्स को भी खाते हैं कॉर्न को भी खाते हैं लाइक कैरट्स टर्निप एंड रेडिशेस एक्सेट्रा इसको भी हम खाते हैं. वी ऑल्सो लाइक क्यूब ऑफ शुगर्स. शुगर्स का क्यूब जो होता है शुगर में बना हुआ होता है इसको भी हम खाते हैं. एवरी नाउ एंड देन अभी और बाद में भी खाते हैं. ब्यूटी कैन से देन आफ्टर दैट ब्यूटी से ए फुल ग्रोन मेल हॉर्स इज कॉल्ड स्टैलियन. हमसे बड़ा होकर जो घोड़े होते हैं उसको घोड़ा होता है उसको हम स्टैलियन बोलते हैं. एंड फीमेल हॉर्स इज कॉल्ड मेयर. फीमेल जेंडर फीमेल हॉर्स को हम मेयर बोलते हैं. बेबी हॉर्सेस आर कॉल्ड फोज. हॉर्स का जो बच्चा होता है छोटे छोटे बच्चे होते हैं इसको हम हॉर्स का बच्चे को फोज कहते हैं. क्या कहते हैं फोज कहते हैं. दे आर वन ईयर्स. द फोज किसको कहते हैं. जब इस बच्चे को वन ईयर ही होते हैं तो इसको हम फॉल कहते हैं. फॉल आर एबल टू रन सून आफ्टर द बर्न. जब वो आफ्टर बर्न बर्न के बाद वो फॉल्स जो है दौड़ते हैं. नेक्स्ट पेज. ओ आई डिड नॉट नो दैट सेड जिमी. जिमी बोलता है कि तो मैं जानता नहीं हूँ. देन जिमी वांटेड टू नो व्हाट वर्क ब्यूटी डिड ऑन सेट फार्म. जिमी वांटेड टू नो. जिमी जानना चाहता है कि ब्यूटी डिड ऑन फार्मर सेट फार्म के
जो फार्मर सेठ, फार्मर सेठ जो फार्म का मालिक था, वो फार्म में क्या करता था. ब्यूटी टोल्ड हिम दैट शी यूज्ड टू पुल अ कार्ट. ब्यूटी देन ब्यूटी बोला जिमी को बोला तो दे पुल अ कार्ट. वो पुल अ पुल अ कार्ट फूल ऑफ वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स पे भरा हुआ कार्ट को वो लेकर जाता था वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू द टाउन व्हेन द फैमिली नीडेड टू गो टू द टाउन. वो फैमिली को भी टाउन को लेकर जाना पड़ता था. सी और पुल ए स्पेशल कैरिज दैट यू फैमिली सैट इन, जहाँ पर इसके फैमिली के लोग, फार्मर सेठ की फैमिली का लोग बैठे हैं, उसको उसको टांगा टोंगा बोलते हैं, टोंगा को भी लेकर जाना पड़ता था. ब्यूटी ऑल्सो गेट चिल्ड्रेन टू राइड ऑन हर बैक. ब्यूटी बोलता है कि मैं इसके चिल्ड्रेंस को, उसको बच्चे को, फार्मर सेठ के बच्चे को भी मैं बैक पर अपने पीठ पर बैठा कर घुमाती हूँ. द चिल्ड्रेन लव दिस जॉय एंड राइड एंड गेट ब्यूटी टू कैरेट एंड शुगर की वर्ड्स. इसके बच्चे जो, इसके बच्चे को जो मैं घुमाने ले जाती थी तो उस बच्चे ने खुश होकर मुझे कैरेट देते हैं, शुगर क्यूब भी खाने के लिए देते हैं, पुरस्कार की स्वरूप देते हैं. सो दो स्टूडेंट्स द चैप्टर इज एंड. आज का होमवर्क है पेज, इसको तुमने बुक में करोगी. वन नंबर, टू नंबर, एक्सपांड वर्ड. यहाँ पर दो वर्ड दिया हुआ है, इसको यहाँ पर फिल करना है. चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंस. वन हैज बीन डन फॉर यू. यहाँ पर आर्टिकल लगाना है. 34, 35, 36. सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतने, थैंक यू.